हेलो गाइस, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो मैं मेहुल शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद मेहुल में। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री। जी हाँ, आज से हम अपने CWM के चैनल पर क्लास 11th की केमिस्ट्री भी डालेंगे। अभी तक हम 9th और 10th की वीडियो डाल रहे थे, उसके बाद से आज हम डालेंगे इसके अंदर क्लास 11th की केमिस्ट्री की भी वीडियो यहाँ पे डलेगी। तो जो 9th और 10th के बच्चे हैं वो तो यहाँ पे चैनल पे वीडियो देख ही रहे हैं, अब साथ के साथ 10th के अलावा यानी कि 11th और कुछ समय बाद 12th की भी वीडियोस के अंदर आने लगेगी। तो यानी कि 9th, 10th और 11th, 12th इन सब के लिए पूरा का पूरा जो चैनल है ये पूरा तैयार हो जाएगा। तो आपको सारे सारे इसमें हैंड रिटन नोट्स अच्छे तरीके से मिलेंगे। तो क्लास 11th की केमिस्ट्री की बात करें अगर हम, तो क्लास 11th की केमिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा ईजी है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। पर हाँ, जो बच्चे क्लास 10th से 11th में आए हैं, हाँ 10th से 11th में आएंगे, डायरेक्ट आप 9th से डायरेक्ट जंप करके आप 11th में तो नहीं आएंगे। तो जो बच्चे 10th से 11th में आए हैं तो उनके लिए थोड़ी सी चीज़ें नई लगी होंगी शुरुआती में। पर हाँ, जैसे कि कुछ चैप्टर्स थे जो कि आप 9th क्लास, 8th क्लास या 10th क्लास के अंदर भी आप पढ़ के आए हैं, जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम, वो तो पूरा पूरा जो चैप्टर 9th क्लास का था वो पूरा पूरा उठ के आ गया है। सब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, वो भी 8th और 9th इन सब का जो मिश्रण था वो सब आया था इसके अंदर। पीरियडिक क्लासिफिकेशन, हाँ वो चैप्टर 10 की बुक में था, NCERT की चैप्टर 10 की बुक में था, पर वो आपका फिर सिलेबस से ही डिलीट हो चुका है, वो चैप्टर क्लास 10th के सिलेबस से ही डिलीट हो चुका है। तो वो चैप्टर तो आपके लिए नया हो गया, पीरियडिक क्लासिफिकेशन वाला जो चैप्टर था वो आपके थोड़ा सा नया चैप्टर बन गया। पर अब अगर बात करें तो कुछ ऐसे चैप्टर हैं केमिस्ट्री के जो कि बहुत ज़्यादा दिक्कत करने वाले हैं। जैसे कि हम बात करें, एक चैप्टर आपका इक्विलिब्रियम, एक चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स, ये आपके लिए एकदम से ही नए टॉपिक हैं, इसीलिए आपको थोड़ी सी इसमें दिक्कत होएगी। पर अगर आप मन लगा करके पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही ईजी तरीके से चीज़ें समझ आने लगेंगी। तो आज हम शुरू करेंगे अपनी क्लास 11 का सबसे पहला चैप्टर, NCERT का पहला नहीं है, इस वीडियो का सबसे पहला चैप्टर, जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स बहुत ही प्यारा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इस चैप्टर को अगर आप शुरुआत से लेकर आखिरी तक देखेंगे तो ये गारंटी है कि आपको इस चैप्टर के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो कि आपको डाउट में डालेगी। आपको इसके लिए बस कंटिन्यूस प्रैक्टिस की ज़रूरत है, जो कि मुझे लगता है कि आप सब ज़रूर करेंगे। तो थर्मोडायनेमिक्स की पहले बात करें तो थर्मोडायनेमिक्स का मतलब है क्या? चैप्टर समझने से पहले आपको चैप्टर का जो नाम है ना, जो टॉपिक है, पहले उसको समझना पड़ेगा। थर्मोडायनेमिक्स, तो थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो देखिए, पहले एक सेकेंड देखिए, हम बात कर रहे हैं किसकी, थर्मोडायनेमिक्स। देखिए जैसा कि नाम है थर्मोडायनेमिक्स, तो जिस तरीके से नाम है ना वैसे चैप्टर है, बड़ा ही डायनेमिक्स चैप्टर है ये वाला। तो देखिए थर्मोडायनेमिक की बात करें तो दो चीज़ों से, दो शब्दों से मिलकर बनाए, एक है थर्मो और एक है डायनेमिक्स। थर्मो की बात करें, थर्मो का मतलब होता है, एक तरीके से बात करें थर्मल एनर्जी, या तो मोटी मोटी भाषा में बात करें तो उसको बोल देंगे हम हीट एनर्जी। ठीक है, ईजी वे में बात करें तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, अभी हीट एनर्जी, आप समझ लीजिए। ठीक है, और डायनेमिक्स फिजिक्स में से एक शब्द उठाया गया है जिसका मतलब होता है मोशन। ठीक है, यानी कि जो हीट एनर्जी है जब वो किस में आ जाए, हीट एनर्जी जब मोशन के अंदर आ जाएगी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस स्टडी को ही क्या बोला जाता है, इस स्टडी को बोला जाता है थर्मोडायनेमिक्स। तो यानी कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हम बेसिकली ये पढ़ेंगे कि जो हीट एनर्जी है वो किस तरीके से ट्रांसफर होती है डिफरेंट वेरियस एनर्जी के अंदर। जैसे कि हम बात करें कि एक मेरे पास बोतल रखी है, उसको मैंने फ्रिज के अंदर डाल दिया तो वो ठंडी हो जाएगी, तो कितनी देर में ठंडी होगी, कौन से उसके एनर्जी का चेंज आएगा जिसके कारण वो ठंडी होगी, तो ये सारी चीज़ें हम किस में पढ़ते हैं, ये चीज़ें हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। एक और एग्जांपल लें तो एक और एग्जांपल इसका ये हो सकता है कि बर्फीले इलाका है, उसके अंदर आपके पास दो बेंचेस हैं, एक है लोहे की बेंच और एक है लकड़ी की बेंच, तो आप किस पे बैठेंगे, कौन सी बेंच आप चूज़ करेंगे। तो ये सारी जो स्टडी है ये सब किसके अंदर आती है, ये सब आती है थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। तो इसको हम पढ़ते हैं अच्छे तरीके से, जिससे आपको जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। तो
तो देखिए थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो थर्मोडायनेमिक्स क्या है। थर्मोडायनेमिक्स इज अ फील्ड कंसर्न विद द स्टडी ऑफ द इंटरकन्वर्जन। थर्मोडायनेमिक्स इज अ फील्ड कंसर्न विद द स्टडी ऑफ इंटरकन्वर्जन ऑफ हीट वर्क एंड वेरियस अदर काइंड ऑफ एनर्जी। यानी कि क्या है ये जो हीट एनर्जी है वो किस तरीके से वर्क की फॉर्म में या डिफरेंट डिफरेंट वेरियस एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, इस स्टडी को ही क्या बोला जाता है, इस स्टडी को बोला जाता है थर्मोडायनेमिक्स। समझ आई बात। थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या है? थर्मोडायनेमिक्स का मतलब है कि एक इस तरीके की आपकी केमिस्ट्री की एक वो ब्रांच है, फिजिकल केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम क्या बात करते हैं, जो हीट है वो किस तरीके से वर्क के अंदर या वेरियस टाइप्स ऑफ एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, इंटर कन्वर्जन जब होता है हीट एनर्जी का, इसी स्टडी को क्या बोलते हैं हम, थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। ठीक है, समझ आई बात। ओके जी, अच्छा जी, अब तो थर्मोडायनेमिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। जैसे अब हम बात करें थर्मोडायनेमिक्स, देखिए जो थर्मोडायनेमिक्स है उसके अंदर देखिए क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम पहली चीज़ पढ़ेंगे सिस्टम के बारे में। आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है शब्द वाला सिस्टम। ठीक है, तो हम पहले सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि सिस्टम क्या होता है। उसके बाद हम बात करेंगे सराउंडिंग के बारे में कि थर्मोडायनेमिक्स के अंदर जो सराउंडिंग है वो क्या होता है, सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ सिस्टम क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिए हम बात करें यहाँ पे थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बारे में। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है? एन असेंबली ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैविंग अ सर्टेन वैल्यू ऑफ प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। देखिए जी मतलब क्या है इसका, इसको हम बहुत इजी लैंग्वेज में समझते हैं, मोटी मोटी भाषा क्या कह रहा है ये। देखिए मेरे पास एक यहाँ पे चाय का ग्लास रखा है, एक चाय का कप रखा है, तो क्या करना, चाय पी लीजिए। नहीं देखिए, चाय का कप रखा है मेरे पास, तो अब इस चाय के कप के अंदर मान लीजिए मैं स्टडी कर रहा हूँ किसके बारे में, इस चाय के कप के बारे में स्टडी कर रहा हूँ, तो चाय का कप और इसके अंदर की जो चाय है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिस्टम। जो चाय का कप है और चाय के कप के अंदर डली हुई जो चाय है वो क्या हो जाएगी, सिस्टम हो जाएगी। तो यानी कि वो चाय का कप के अंदर चाय है वो कितनी देर में ठंडी हो रही है, कितनी देर में गर्म होगी अगर मैं उसको गैस पर रख दूंगा, तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम स्टडी कर रहे हैं किसके बारे में, चाय के बारे में। तो चाय क्या हो गया, सिस्टम हो गया। तो सिस्टम को हम ये बोल सकते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स के अंदर जब हम किसी चीज़ की स्टडी कर रहे होते हैं तो उसको बोलते हैं हम सिस्टम, थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम। और सिस्टम के आउटसाइड जितनी भी चीज़ें हैं वो हो जाएगा क्या चीज़, वो हो जाएगी हमारे सराउंडिंग। ठीक है, समझ आई बात। तो देखिए अब हम पहले बात करें थर्मोडायनेमिक सिस्टम की, जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी इसका मतलब समझते हैं। ये तो हमने पढ़ लिया थर्मोडायनेमिक सिस्टम का मतलब क्या होता है कि एक जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे होते हैं, पर यहाँ पे जो लिखा है वो तो एकदम अलग चीज़ लिखी है। यहाँ पे लिखा है कि वेरियस पार्टिकल्स हैविंग प्रेशर वॉल्यूम सर्टेन टेम्परेचर होना चाहिए। देखिए इसका मतलब क्या है, अब देखिए जो थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी है वो हम बात करते हैं बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बारे में। जैसे कि बात करें, चाय का एग्जाम्पल लिया मैंने, अब चाय के अंदर जो देखिए चाय का कप है मेरे पास, या चलिए वहाँ पर चलते हैं। देखिए मेरे पास चाय का कप है, अब अगर मैं इस चाय के कप की स्टडी करूंगा तो क्या मैं इस चाय का सिर्फ ये चाय के मॉलिक्यूल्स है इसमें से सिर्फ एक मॉलिक्यूल की स्टडी करूंगा क्या? नहीं, मैं स्टडी करूंगा तो पूरे चाय के कप की करूंगा ना, कि चाय के कप के अंदर जितनी चाय है उसके क्या टेम्परेचर है, कितनी वॉल्यूम है, कितना प्रेशर है, और जिसके कारण उसमें हीट एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। एक पार्टिकल का मैं बात नहीं कर रहा, मैं अभी नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बारे में स्टडी कर रहा हूँ। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है कि जब हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वेरियस नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बारे में स्टडी करें, जिसके पास कुछ मास हो, कुछ प्रेशर हो, कुछ टेम्परेचर हो, कुछ वॉल्यूम हो, तब क्या बोला जाता है उसको, उसको बोला जाता है थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम। ठीक है, आई होप कि आपको थर्मोडायनेमिक सिस्टम समझ आ गया होगा क्या होता है। अब बात करें सराउंडिंग, तो सराउंडिंग मैंने आपको बता दिया, हम जिस चीज़ का स्टडी कर रहे हैं वो हो गया सिस्टम, और उस सिस्टम के आउटसाइड जितने भी चीज़ें हैं वो क्या हो गई आपकी, सराउंडिंग्स। तो सराउंडिंग क्या है, एवरीथिंग आउटसाइड द सिस्टम
विच कैन हैव डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द सिस्टम, यानी कि जो भी चीज़ सिस्टम के बाहर है वो सब क्या हो जाएगा आपका सराउंडिंग। जैसे कि अगर आप एक कमरे के अंदर बैठे हैं तो उस कमरे के अंदर की जो कमरा है वो आपका क्या हो गया सिस्टम, और उस कमरे के बाहर जो कमरा है, उस कमरे के साइड में जो कमरा है, उस कमरे के पीछे जो कमरा है वो क्या हो गया आपके सराउंडिंग। अगर आप अपने घर की बात कर रहे हैं तो घर क्या हो गया सिस्टम, और आपके घर के अंदर आपका पड़ोसी का घर, पड़ोसी के घर के अंदर रहना पड़ोसी, उसके बच्चे, उस पड़ोसी के घर के रहने वाले साइड वाला पड़ोसी, वो सब क्या हो गया आपके सराउंडिंग हो गए। ठीक है, तो सिस्टम क्या है कि जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, सराउंडिंग क्या है जो कि सिस्टम के बाहर है वो क्या हो गया सराउंडिंग। ठीक है, अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ सिस्टम के बारे में। अभी हमने सिस्टम पढ़ा, तो हम देखिए जिसके बारे में स्टडी करेंगे उसको हमें पहले समझना पड़िए ना भाई, अगर हम सिस्टम के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो सिस्टम कितने टाइप के हैं पहले उसको समझना चाहिए हम, उसके बाद हम सिस्टम की स्टडी करेंगे। तो देखिए सिस्टम की बात करें तो सिस्टम होते हैं बेसिकली तीन टाइप के, एक होता है आपका ओपन सिस्टम, एक होता है क्लोज सिस्टम, और एक होता है आइसोलेटेड सिस्टम। तो आज की वीडियो हम इन तीनों के बारे में अच्छी तरीके से बात करेंगे, उसके बाद हम अपने अगली वीडियो में नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो देखिए पहले हम बात करें ओपन सिस्टम के बारे में। ओपन सिस्टम क्या होता है, तो ओपन सिस्टम क्या है, अ सिस्टम विच कैन एक्सचेंज मास, विच कैन एक्सचेंज मैटर एज वेल एज एनर्जी विद द सराउंडिंग। देखिए मतलब क्या है, मतलब इसका ये है कि एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर मैटर का ट्रांसफर, यानी कि मैटर लॉस हो सके और मैटर गेन हो सके, और जो एनर्जी है, एनर्जी का लॉस हो या एनर्जी का गेन हो, ऐसे सिस्टम को बोला जाता है क्या चीज़, ओपन सिस्टम। यानी कि जैसे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल की बात करें, मेरे पास एक हॉट कॉफ़ी है जो कि एक फ्लास्क के अंदर रखी है, वो क्या हो गया एक ओपन सिस्टम। क्यों, क्योंकि वो मैटर को और एनर्जी को लॉस भी कर सकती है और गेन भी कर सकती है। कैसे, देखिए ये चाय है मेरे पास, ये चाय का कप है, ये चाय का कप इस वक्त खुला हुआ है, ऊपर से खुला हुआ है, तो क्या इसमें से एनर्जी बाहर निकल सकती है, बिल्कुल निकलेगी भैया। जब आप चाय, जब आपकी मम्मी जब चाय देती होंगी आपको, तो जो चाय का कप है वो आपके सामने रखा हुआ है, अगर आप उसको 10 मिनट तक रखे रहने देंगे तो क्या उसका टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहेगा, नहीं, उसके अंदर जो टेम्परेचर है वो बाहर निकलेगा, यानी कि टेम्परेचर कूल होने लगेगा। टेम्परेचर कूल क्यों होगा, क्योंकि उसके अंदर की जो एनर्जी है वो रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है यानी कि एनर्जी लॉस हो रही है। अच्छा, अगर आप उस चाय के कप को गैस के ऊपर रख दें तो वो चाय का कप क्या होगा, वो गर्म होने लगेगा, यानी कि उसके अंदर जो चाय है वो भी गर्म होने लगेगी, यानी कि जो चाय है वो अपनी एनर्जी को लॉस भी कर रही है और गेन भी कर रही है। ठीक है, और दूसरा क्या है, मैटर का एक्सचेंज। अगर आप चाय का कप का खुला हुआ है, चाय का कप खुला हुआ है तो उसका मास बढ़ भी सकता है, मान लीजिए ऊपर से कोई मक्खी उड़ रही है वो उसके अंदर गिर गई है, डस्ट पार्टिकल्स हैं वो उसके अंदर गिर रहे हैं, तो उससे मास आपका बढ़ रहा है। पर अगर चाय का कप गलती से गिर गया तो उसका चाय है वो भी बाहर निकल जाएगी, यानी कि मैटर भी इसके अंदर क्या हो रहा है, मैटर भी लॉस हो रहा है और मैटर भी गेन हो रहा है। तो ऐसे सिस्टम को क्या बोला जाता है, ऐसे सिस्टम को बोला जाता है ओपन सिस्टम। ठीक है, समझ आई बात। अच्छा, उसके बाद बात करें क्लोज सिस्टम की। तो क्लोज सिस्टम क्या होता है, देखिए ओपन सिस्टम था जिसमें मैटर और एनर्जी दोनों लॉस हो सकती हैं और दोनों गेन हो सकती हैं। क्लोज सिस्टम क्या है, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एनर्जी तो लॉस और गेन हो सकती है, एनर्जी का लॉस और गेन हो सकता है, पर मैटर का लॉस और गेन नहीं होगा, मैटर ना तो लॉस होगा ना ही मैटर गेन होगा। कैसे, देखिए ये मेरे पास चाय का कप है, ठीक है, अगर इसके ऊपर मैं एक ढक्कन ढक दूं, ठीक है, जो कि इसको अच्छे तरीके से बंद कर दे, ठीक है, तो क्या होगा, अगर मैं चाय के कप को उल्टा करूंगा चाय का कप, चाय के कप में से चाय गिरेगी नहीं, यानी कि मैटर लॉस नहीं हो रहा। अच्छा, चाय का कप का ढक्कन बंद है तो ऊपर से कोई मक्खी या कोई डस्ट पार्टिकल भी उसके अंदर नहीं गिर सकता, यानी कि ना तो मैटर गेन हो रहा है और ना ही मैटर लॉस हो रहा है। पर एनर्जी तो बाहर निकलेगी ना भैया, एनर्जी बाहर निकलेगी और एनर्जी बाहर से अंदर आएगी, क्योंकि एनर्जी को कोई ढक्कन ही नहीं रोक सकता, एनर्जी तो कहीं से भी बाहर निकल सकती है, एनर्जी यहाँ से बाहर निकल जाएगी और यहाँ से ही अंदर आ जाएगी, समझे बात। यानी कि एनर्जी तो लॉस और गेन हो सकती है, पर मास, जब मास है या मैटर है वो लॉस और गेन ना हो, तो ऐसे सिस्टम को बोला जाता है क्या चीज़, क्लोज सिस्टम। क्या बोला जाता है,
क्लोज्ड सिस्टम बोला जाता है। समझ आई बात? ओके जी, अब बात करते हैं अपने लास्ट सिस्टम जिसका नाम है आइसोलेटेड सिस्टम। अब आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है इसको समझिए। सबसे पहली बात, समझाने से पहले एक चीज समझा दूं मैं कि दुनिया में कोई भी, प्रैक्टिकली स्पीकिंग बात कर रहा हूं मैं, प्रैक्टिकली स्पीकिंग बात करें तो कोई भी सिस्टम 100% आइसोलेटेड नहीं हो सकता है। प्रैक्टिकली स्पीकिंग 100% कोई भी सिस्टम आइसोलेटेड नहीं हो सकता। आइसोलेटेड का मतलब क्या है? देखो, कोरोना के टाइम पे एक शब्द बहुत ज़्यादा चला था, बहुत ज़्यादा चर्चों में था, जिसका नाम था आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब क्या है? ना तो बाहर के कॉन्टैक्ट अंदर आ सकते हैं और ना ही अंदर के कॉन्टैक्ट बाहर जा सकते हैं। यही था मतलब, आइसोलेशन का मतलब यही होता है कि ना तो आपको अंदर की चीज़ें बाहर पता चलेंगी और ना ही बाहर जो दुनिया में चल रहा है वो आपको अंदर पता चलेगा। यही था आइसोलेशन का मतलब। ऐसे ही आइसोलेटेड सिस्टम होता है। आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है, देखिए, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर ना तो मैटर का लॉस होगा, ना ही मैटर का गेन होगा, और ना ही एनर्जी का लॉस ना ही गेन होगा। ना तो एनर्जी बाहर निकलेगी, ना ही एनर्जी अंदर आएगी, और ना ही मैटर बाहर जाएगा और ना ही मैटर अंदर आएगा। अच्छा, इसके अंदर प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये कहता है कि 100% नहीं हो सकता है। देखिए, मैटर को तो हम रोक सकते हैं, जो कि हमने क्लोज सिस्टम में देखा, मैटर रुका जा सकता है, मैटर ना तो बाहर निकले ना ही मैटर अंदर आए, ये हम कर सकते हैं, पर एनर्जी को हम नहीं रोक सकते, एनर्जी नहीं रुक सकती है। अब आप कहें थर्मोफ्लास्क ले लो, थर्मोफ्लास्क ले लीजिए, उसका चाय डाल दीजिए, वो चाय गर्म ही गर्म रहती है। हाँ, बात सही है आपकी कि चाय गर्म ही गर्म रहती है, पर मान लीजिए अच्छी से अच्छी कंपनी का आप थर्मोफ्लास्क ले लीजिए। चलिए, आपने मिल्टन कंपनी का थर्मोफ्लास्क लिया, उसके अंदर आपने चाय डाली, जब आपने चाय डाली तो उसका टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस था, और आपने वो चाय का जो चाय है वो आपने खोली दो छोड़िए 12 घंटे बाद। हाँ, चाय गर्म रहेगी, पर क्या अभी भी उसका टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस रहेगा? नहीं, उसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 60 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 20 डिग्री तो कम हो रही है, कुछ तो एनर्जी लॉस हुई है उसके अंदर। हाँ, पर केमिस्ट्री के अंदर देखिए, ये जो 12 घंटे के अंदर सिर्फ 20 डिग्री सेल्सियस जो एनर्जी लॉस हुई है, या 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का लॉस हुआ है, उसको हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं, यानी कि हम इतना मान लेते हैं कि एनर्जी लॉस हो ही नहीं रही है। ठीक है, देखिए 12 घंटे में अगर सिर्फ 20 डिग्री सेल्सियस ही आपका टेम्परेचर लॉस हो रहा है, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि हमने एनर्जी को लगभग लगभग रोक लिया है, पूरा तो नहीं रोका, पर हाँ लगभग लगभग हमने रोक लिया है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम क्या है? आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें कि एक हॉट कॉफी है जो कि थर्मोस फ्लास्क के अंदर रखी है, क्योंकि उसके अंदर ना तो एनर्जी और ना ही मैटर गेन होगा और ना ही लॉस होगा। दोबारा मैं बता देता हूँ, 100% कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम नहीं होता है। ये हम आगे और पढ़ेंगे, जब हम आपके पास और सारे टॉपिक्स आएंगे, बहुत अच्छे अच्छे तरीके से आप समझेंगे आइसोलेटेड सिस्टम क्यों नहीं हो सकता है, 100% हमने क्यों बोला कि प्रैक्टिकली स्पीकिंग 100% कोई भी सिस्टम आइसोलेटेड नहीं होता। ठीक है, वो हम आगे अपने पढ़ेंगे अगले आने वाली अपनी वीडियोज़ के अंदर। तो आज की वीडियो में तो हमने यही जान लिया है, क्या जाना हमें आज की वीडियो में, कि भैया थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, टाइप्स ऑफ सिस्टम क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ सिस्टम भी तीन टाइप के होते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम की बात करें, यानी कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें मैटर और एनर्जी दोनों का आदान प्रदान हो सकता है। ठीक है, क्लोज सिस्टम क्या होता है, जिसमें मैटर का तो आदान प्रदान नहीं होगा पर एनर्जी का आदान प्रदान हो सकता है। आइसोलेटेड सिस्टम क्या है, जिसमें ना तो एनर्जी का और ना ही मैटर का किसी का भी आदान प्रदान नहीं होगा। ठीक है, ये था हमारे आज की वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी भी ये पहली वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।